है अ ह्यूमन एम्ब्रियो आफ्टर हाउ मेनी वीक्स ऑफ डेवलपमेंट इज रेफर्ड टू एज फीटस, यानी कि आपके पास में एक ह्यूमन एम्ब्रियो है उसको कितने वीक ऑफ डेवलपमेंट, कितने हफ्ते का जब डेवलपमेंट हो जाएगा जब आप उसको फीटस कहेंगे। आपके पास ऑप्शंस हैं 12, 9, 4 एंड 8। तो देखिए एग के फर्टिलाइजेशन के बाद में जब 9th वीक में होता है हमारा एग, एग के फर्टिलाइजेशन के बाद में बेसिकली हम उसको एग नहीं कहेंगे, तो एग के फर्टिलाइजेशन के बाद में आपका जो जायगॉट है आपके पास में उसको 9th वीक के अंदर हम फीटस कहना शुरू कर देते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इसका। तो देखिए एम्ब्रियो और फीटस के बीच में जो डिफरेंशिएट हम करेंगे वो करेंगे उसके गेस्टेशनल एज के बिहाफ पे, यानी कि कितना टाइम हो चुका है फर्टिलाइजेशन से उससे। तो एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट का अर्ली स्टेज है। और अगर आप बात करें फीटस की, तो फीटस हम कब बुलाएंगे एम्ब्रियो को, विच इज 9th वीक ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, कौन सा सेल आपको नीचे दिया हुआ है जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। तो देखिए आपको सारे ब्लड सेल्स दी हुई हैं, रक्त कोशिकाएं दी हुई हैं, इयोसिनोफिल है, मोनोसाइट है, बेसोफिल है और लिम्फोसाइट्स है। तो देखिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने का काम सबसे पहला, तो अगर आपको WBC दिया हुआ है तो WBC होगा। ठीक है, WBC को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, पर यहाँ पे क्योंकि WBC ना देकर के WBC के अंदर जो क्लासिफिकेशन है उसको दिया हुआ है तो उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। WBCs हमारे पास में दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ए ग्रैन्यूलोसाइट्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं ग्रैन्यूलोसाइट्स। यानी कि ये कैसे डिफरेंशिएट किया, ग्रैन्यूलोसाइट्स वो होते हैं जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, तो आपके इयोसिनोफिल हो गए, आपका बेसोफिल हो गया, आपके न्यूट्रोफिल हो गए, ये आपके ग्रैन्यूलोसाइट के एग्जांपल है। और ए ग्रैन्यूलोसाइट के एग्जांपल आपके पास में कौन कौन से हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स फर्दर बी और टी दो तरह के होते हैं, और इनमें से जो बी लिम्फोसाइट है उसका फंक्शन होता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन का, और टी लिम्फोसाइट क्या करेगी, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट की मदद करेगी एंटीबॉडीज बनाने में। तो क्योंकि आपको लिम्फोसाइट्स ऑप्शन में दिया हुआ है तो सही जवाब इसका क्या होगा, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी, लिम्फोसाइट्स। अगला सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, आपको बताना है कि आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें यूरिन का एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट कौन है, यानी कि नॉर्मली ये यूरिन में नहीं पाया जाएगा। तो देखिए क्रिएटिनिन, तो क्रिएटिनिन जो है ये आपके बॉडी में यूजुअली मिलता है जब कोई आपने बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइजेस करी हो, या फिर बहुत बार एक ऐसा ही प्रोडक्ट होता है जो प्रेग्नेंट लेडीज जो होते हैं उनके यूरिन में भी मिलता है। दूसरा देखिए यूरिया, तो यूरिया और यूरिक एसिड जो है तो नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट है, ज़्यादा परसेंटेज आपके यूरिन में यूरिया का होता है और थोड़ा बहुत परसेंटेज यूरिक एसिड का भी होता है। और लास्ट में है आपका कीटोन बॉडीज, तो कीटोन बॉडीज देखिए कीटोन बॉडीज आपकी आपके शरीर में कब बनती हैं, एक तो देखिए आपके शरीर में जब अगर आपको डिहाइड्रेशन हो, यानी कि अगर वाटर की बहुत ज़्यादा आपके शरीर में डेफिशिएंसी है तो कीटोन बॉडीज बनेंगी। उसके अलावा स्टारवेशन हो, जैसे कि भूख हड़ताल पे जो लोग जाते हैं उनके अंदर कीटोन बॉडीज जो उनके यूरिन में मिलेगी। ठीक है, तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी। तो देखिए ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक कंडीशंस में ही मिल रही हैं, नॉर्मली नहीं पाई जाती हैं, तो इसीलिए हमारा जवाब क्या होगा, कीटोन बॉडीज। ओके, अब यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ कीटोन बॉडीज यूरिन में जब प्रेजेंट होती है उसे हम कीटोन यूरिया कहते हैं। अब आपका हो गया यहाँ तो एसीटोन दिया हुआ है, तो एसीटोन इज अ काइंड ऑफ कीटोन बॉडी। ओके, बाकी प्रोटीन अगर यूरिन में प्रेजेंट होता है तो हम उसे प्रोटीन यूरिया कहते हैं। ग्लूकोज अगर यूरिन में प्रेजेंट होता है तो हम उसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ये टर्म्स हैं, आपको टर्म्स भी दी हुई हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल के, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एसोसिएटेड विद टीथ डिसऑर्डर, आपके दांतों की बीमारी से जुड़ा हुआ आपको एक एलिमेंट बताना है। तो देखिए फ्लोरीन, और यूजुअली फ्लोरीन का अमाउंट जो है वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, तो आप जो पानी पी रहे हैं अगर उसमें फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है तो वो आपके टीथ डिसऑर्डर कॉज कर सकती है। ठीक है, तो सही जवाब इसका कौन सा हो जाएगा, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन। और तो फ्लोराइड की डेफिशिएंसी से भी आपको टूथ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और एक्सेस से भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके,
अगला आपको बताना है कि इफ द एंटायर बॉडी इज इन्फेक्टेड देन द इन्फेक्शन इज, मान लीजिए कोई एक संक्रमण हुआ आपको और उस संक्रमण ने आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट किया है, तो आप उसे कौन सा इन्फेक्शन कहोगे, लोकलाइज्ड कहोगे, क्रॉनिक कहोगे, सिस्टमिक कहोगे या रेजिस्टेंट कहोगे। तो हम क्रॉनिक की बात कर लेते हैं, तो देखिए ये दो तरह के दो इन्फेक्शन होते हैं, इनको हम एक साथ पढ़ेंगे, एक्यूट और क्रॉनिक। तो क्रॉनिक इन्फेक्शन वो होते हैं जो आपको बहुत सालों से पहले हुआ है आपको इन्फेक्शन, और वो इन्फेक्शन आपको चलता आ रहा है, या फिर कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़ क्रॉनिक डिजीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन क्रॉनिक हो सकती है। एक्यूट यानी कि ये इन्फेक्शन या फिर इस तरह के जो लक्षण हैं किसी भी रोग के, वो आपने अचानक से प्रोड्यूस हुए हैं, तो उसे हम कहेंगे एक्यूट। तो इनको साथ में याद रखना है। फिर लोकलाइज्ड और सिस्टमिक को हम साथ में रखेंगे। तो लोकलाइज्ड क्या होता है, लोकलाइज्ड यानी कि कोई एक ऑर्गन के लिए लोकल है, कोई एक ऑर्गन या कोई एक ऑर्गन सिस्टम तक ही है वो, बाकी सारे ऑर्गन्स जो है वो नॉर्मली काम कर रहे हैं। और सिस्टमिक आपके कौन से होंगे, सिस्टमिक वो होते हैं जिसके अंदर आपकी पूरी जो बॉडी है वो इफेक्टेड होती है। और पूरी बॉडी देखिए बेसिकली कब इफेक्टेड होगी, मान लीजिए कोई ब्लड कोई इन्फेक्शन है, कोई सूक्ष्म जीवी है वो आपके रक्त में प्रेजेंट है और ब्लड आपके बॉडी के हर कोने तक जा रहा है, तो उस केस में वो इन्फेक्शन कैसा हो जाएगा, सिस्टमिक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का हमारा जवाब जो है वो क्या होगा, ऑप्शन सी, सिस्टमिक। ठीक है, आगे यही कहा हुआ है कि ब्लड स्ट्रीम में जो अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसे हम सिस्टमिक इन्फेक्शन कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड इज द डैश रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो देखिए हम थोड़ी देर में ओव्यूल का डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो ओव्यूल में आपको बताना है, ओव्यूल का जैसे मान लीजिए अगर ये चित्र है ओव्यूल का, तो ओव्यूल में इन्होंने बताया है कि एक एंड जो है उसका तो नाम इन्होंने बता दिया है कि इधर माइक्रोपाइल है, तो इसका इन्होंने नाम दे दिया माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, यानी कि बीजांडवारी सिरा। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि इसका जो दूसरा सिरा है इसके ऊपर कौन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके दूसरे सिरे के ऊपर जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं चलाजा। ठीक है, यहाँ पे सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी। अब बाकी सारी चीज़ें भी आपको जाननी होंगी, उसके लिए हम देखते हैं डायग्राम। तो ये देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था माइक्रोपाइलर पोल या फिर माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो इस तरफ बताया जा रहा है माइक्रोपाइल, और आपको आपको पूछा है कि माइक्रोपाइल की दूसरी तरफ एकदम ऑपोजिट में कौन है, तो यहाँ पे आपका कौन है, चलाजल पोल यानी कि चलाजा। ठीक है, अब बाकी देखिए, जैसे कि यहाँ पे बीच में एम्ब्रियो सैक दिया हुआ है, एम्ब्रियो सैक के बाहर न्यूसेलस है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूसेलस है। न्यूसेलस का फंक्शन क्या होता है, ये यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये इस तरह से दो लाइन जो स्ट्रक्चर है आपकी, ये ऐसे लग रहा है ना कवरिंग जैसी हैं इसकी, तो ये इनको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स, आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स। ये आगे जाकर के आपके क्या बनाएंगे, आपका जो सीड का कोट है वो बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमने मेन मेन चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली, और ये है आपका हाइलम। ठीक है, ये टुकड़ा ये हाइलम है जिससे जो ओव्यूल है ये कनेक्टेड होता है आपके ओवरी के अंदर। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ओव्यूल की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, आपको पूछा है कि डार्विन फिंचेस जो हैं ये क्या हैं, ये मछलियाँ हैं या फिर छिपकली हैं, पक्षी हैं या उभयचर हैं। तो देखिए डार्विन फिंचेस जो हैं एक तरह की बर्ड्स हैं, और इनको इस तरह से अलग से क्यों बताया गया है, क्योंकि देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक प्रोसेस है अडेप्टिव रेडिएशन का। अब अडेप्टिव रेडिएशन के अंदर क्या होता है, एक सेकेंड, अडेप्टिव रेडिएशन के अंदर क्या होता है कि जैसे एक जगह पे एक बर्ड रह रही थी। ठीक है, ये डार्विन फिंचेस जो हैं ये एक जगह पे रह रही हैं, एक आइलैंड के ऊपर रह रही हैं, तो सबसे पहले वहाँ पर जो बर्ड थी वो कैसी थी, वो वहाँ पे नॉर्मल इंसेक्ट्स को खाती थी या फिर फ्रूट्स को खाती थी। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, उस बर्ड का नंबर बढ़ा, तो क्योंकि वहाँ पे कोई अगर सारी बर्ड मान लो फ्रूट खाने वाली है, तो फ्रूट तो वहाँ पे लिमिटेड होंगी, तो वहाँ पे उनके बीच में कंपटीशन बढ़ेगा, तो इस वजह से उनमें धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस हुए। और उनकी जो बीक्स हैं, देखिए हम डायग्राम देखते हैं, ये देखिए इनकी जो चोंच है, इनमें सबका जो देखिए आप सबकी चोंच जो है वो अलग अलग हो चुकी है। क्यों, क्योंकि इनमें से कुछ जो है वो इंसेक्ट ईटिंग हो चुकी हैं, कुछ जो है वो कुछ और उन्होंने खाना शुरू कर दिया, इस तरह से। इस वजह से ये जो इनमें डिफरेंस आए, क्योंकि इवोल्यूशन से रिलेटेड है, तो इसीलिए इनके अंदर ये आपको याद रखना है कि ये एक अडेप्टिव रेडिएशन का इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और ओरिजिनल जो बर्ड थी डार्विन फिंचेस में, वो सीड ईटिंग थी, वो बीज खाती थी। ओके, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, बर्ड्स।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैंक्रियाज और ओवरीज, आपको बताना है कि ये किसके पार्ट है। तो देखिए, ये सारे के सारे आपके एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट है, ठीक है। तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी। सब ग्लैंड्स जो है उनसे अलग अलग तरह के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। अब तक तो आपको सब मालूम होगा किससे कौन सा हॉर्मोन रिलीज होता है। तो यहाँ पे सही जवाब है वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी। इसके अलावा जो आपका पैंक्रियाज है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है, और जो ओवरीज हैं वो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी पार्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको बताना है कि किसके पास एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो हमें मालूम है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होता है, और आर्थ्रोपोडा के अलावा मोलस्का में प्रेजेंट होता है। तो आप देख लीजिए, इंसेक्ट जो है, इंसेक्टा हमारे आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं। लॉबस्टर और क्रैब्स जो हैं वो भी आपके आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं। तो क्योंकि सारे ही आपको आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, इसे आप देख सकते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 510, इन विच वर्टिब्रेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट्स मिक्स्ड। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वर्टिब्रे है, वर्टिब्रेट एनिमल है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो, और ऑक्सीजन रहित रक्त जो है वो मिल जाता है। तो देखिए, हमारे पास में एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस के अंदर हमारे पास में 3-chambered हार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हम सबको मालूम है कि यहाँ पे एक चैम्बर जो है, यहाँ पे आपके पास में ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है, इसके अंदर जो आपके पास में रक्त होता है वो ऑक्सीजन रहित होता है। अब देखिए, यहाँ से ब्लड आया यहाँ पे, यहाँ से आया यहाँ पे, तो इस वेंट्रिकल, क्योंकि इनके पास में एक ही वेंट्रिकल है, तो इस वेंट्रिकल में ये रक्त जो है, दोनों तरह का रक्त जो है यहाँ पे मिक्स हो गया, और मिक्स होने के बाद में यही ब्लड जो है वो आपके शरीर के सारे पार्ट्स के अंदर भेजा जाता है। यानी कि यहाँ से हार्ट जो पंप करेगा, तो यही जो मिक्स्ड ब्लड है वो सप्लाई होता है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो एम्फीबियंस एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ठीक है। बर्ड्स और मैमल्स के अंदर 4-chambered हार्ट होता है, फिशेज में 2-chambered हार्ट है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है, मिनरल कंटेंट जो है क्लोरोफिल का क्या है। तो मिनरल कंटेंट हीमोग्लोबिन का है आयरन, और क्लोरोफिल का आपके पास में कौन है, क्लोरोफिल का है मैग्नीशियम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। ये एक्सप्लेनेशन है आपका, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए मैग्नीशियम आयन जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम हार्म टू अ ट्री इज कॉज्ड बाय, यानी कि आपके पास में एक पेड़ है, उसको सबसे ज्यादा नुकसान कब होगा, जब उसकी सारी पत्तियां जो है उनका लॉस हो जाएगा, ठीक है, या फिर उनकी आधी पत्तियों का लॉस हो जाएगा, या फिर उनकी आधी ब्रांचेस का लॉस हो जाएगा, आधी शाखाओं का, या फिर उनकी जो पूरी की पूरी छाल है उसका अगर नुकसान हो जाए। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर ट्री जो है उसको मैक्सिमम लॉस होगा। तो देखिए, लॉस ऑफ बार्क जो है, तो देखिए लॉस ऑफ लीव्स होने से क्या होगा, अगर एक पेड़ है उसकी सारी की सारी लीव्स जो है वो अगर परमानेंटली लॉस हो जाती हैं, अगर परमानेंटली वो नुकसान हो जाता है, तो क्या होगा, उसके बाद में जो पौधा है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, अपना भोजन जो है वो भी स्वयं नहीं बना पाएगा, और इस वजह से क्या होगा, जो स्टोर्ड फूड है वो भी थोड़ी बहुत टाइम में ख़त्म हो जाएगा, और बाद में एंड में जो है वो ट्री की डेथ हो जाएगी, ठीक है। हाफ लीव्स अगर गई हैं तो आधी तो फिर भी बची हैं, तो आधी से फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, लेकिन अगर हाफ ऑफ द लीव्स मेंशन नहीं है, मतलब कि अगर लीव्स का लॉस मेंशन नहीं है, तो फिर आप जो जवाब देंगे वो देंगे लॉस ऑफ इट्स बार्क। पर हमें जवाब यहाँ पे कौन सा देना है, लॉस ऑफ ऑल द लीव्स, क्योंकि ये ऑप्शन में मैंशनड है, ओके, ठीक है, यही बताया इस पर कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। अगला है, आपको बताना है कि बॉर्डियक्स जो है वो किसने डिस्कवर किया था। तो बॉर्डियक्स मिलार्डेट ने डिस्कवर किया था, हम जानेंगे इसके बारे में कि ये आपको क्यों पूछा है, बॉर्डियक्स क्या है। तो देखिए, बॉर्डियक्स जो है एक मिक्सचर है कॉपर सल्फेट का और स्लेक डिलाइम का। तो हमने एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपके वाटर टैंक के अंदर फंगस हैं तो आप उनको कौन से सब्सटेंस को यूज़ करके आप उनको क्लियर करोगे, तो कॉपर सल्फेट उसका आंसर था। तो कॉपर सल्फेट को अगर आप स्लेक डिलाइम के साथ में मिला देंगे तो ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एक फंगीसाइड है, और इसको डिस्कवर किया था पायरी मैरी एलेक्स मिलार्डेट ने 1882 के अंदर। तो आपको मिलार्डेट ऑप्शन में दिया हुआ था, तो आंसर हो गया आपका मिलार्डेट।
नेक्स्ट इज टिटनेस, जो है वो किससे कॉज होता है? तो टिटनेस एक बैक्टीरिया से कॉज होता है, इसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई। क्लॉस्ट्रीडियम आपको मेंशन किया हुआ है, क्लॉस्ट्रीडियम के बाद में है आपका टिटनाई। तो सही जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन ए। आप मुझे बताइए बैक्टीरियोफेज, चलो हम बताते हैं आपको, आप मुझे बताइए साल्मोनेला से कौन सा इन्फेक्शन होगा? तो देखिए बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो वायरस के ऊपर इन्फेक्ट करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। हम चलते हैं हमारे बैक्टीरियोफेज एक्चुअली वायरस ही होते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ओके नेक्स्ट इज आपको पूछा है कि जो H5N1 वायरस है जिससे बर्ड फ्लू होता है, वो सबसे पहले कहाँ डिस्कवर हुआ था, कौन से साल में? तो ये वायरस जो है 1997 में सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था। तो सही जवाब इसका कौन सा है? ऑप्शन सी। तो ये जो एशियन, ये जो है सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था ह्यूमन बींग्स के अंदर 1997 में, जब एक पोल्ट्री आउटब्रेक हुआ था। कहाँ हुआ था? हांगकॉन्ग के अंदर हुआ था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर? आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पे सारी आपकी जो नेचुरल शुगर्स है वो ही दी हुई है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और माल्टोज है। तो फ्रक्टोज जो है वो आपकी स्वीटेस्ट शुगर होती है, ठीक है, ग्रेप शुगर भी कहते हैं उसको। सही जवाब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रक्टोज। ओके तो अगर आप सारी जो शुगर्स हैं उनकी स्वीटनेस को कंपेयर करो तो सबसे पहले आएगी फ्रक्टोज, एंड अगर आप सुक्रोज को 1 मार्किंग देते हो, यहाँ पे देखिए जो आपका स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है कि अगर आप सुक्रोज की स्वीटनेस को 1 कह रहे हो तो फ्रक्टोज की स्वीटनेस को पॉइंट्स मिलेगी 1.7, यानी कि ऑब्वियसली जो फ्रक्टोज है वो ज़्यादा स्वीट है सुक्रोज से। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है, आपको बताना है कि नॉर्मल आरबीसी काउंट कितना होता है एक एडल्ट मेल के अंदर। तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5 to 5.5 मिलियन होता है आरबीसी काउंट एडल्ट मेल के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, आपको 5 दिया हुआ है, तो सही जवाब कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी, 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, पूरी यूनिट इतनी ये होगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन, इन ह्यूमन बॉडी? तो विटामिन सी जो है आपका, विटामिन सी के अंदर आपकी एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ साथ में क्या करता है? आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी। ओके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, इम्यून डिफेंस को आपको इंक्रीज करता है और जो ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन है, संक्रमण की जो पॉसिबिलिटी है उसको कम करेगा। अगला आपको पूछा है कि आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो पसीना ग्रंथियां हैं जो मैमल्स के अंदर प्रेजेंट है, वो प्राइमरली कंसर्न विद, उसका होने के पीछे क्या कारण है, वो आपके शरीर में किस तरह से यूजफुल है? तो देखिए स्वेट ग्लैंड से क्या होता है, स्वेट ग्लैंड से स्वेट रिलीज होता है, पसीना रिलीज होता है, पसीना आपके बॉडी सर्फेस के ऊपर रिलीज होगा, ठीक है। अब जैसे ही आपके बॉडी सर्फेस के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आई, यानी प्योर वाटर नहीं होगा, स्वेट बोल देते हैं हम, ठीक है। जब स्वेट ड्रॉपलेट्स आपकी बॉडी पे आती हैं, उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही एयर आएगी आपकी तरफ, एयर ब्लो होगी, तो उससे क्या होगा, आपको एक ठंड का एहसास होगा, आपको थोड़ा सा बेटर फील होगा। तो थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस जो है, थर्मो रेगुलेशन टेम्परेचर मेंटेन करने का जो प्रोसेस है, उसमें हेल्प करते हैं आपके स्वेट ग्लैंड्स। ओके तो एक्सेस एसिड्स का रिमूवल नहीं करते, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट, थर्मो रेगुलेशन से एक्सट्रैक्शन। तो देखिए नाइट्रोजीनस वेस्ट का जो एक्सक्रीशन है वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, पर मेन जो फंक्शन है स्वेट ग्लैंड्स का वो है आपका थर्मो रेगुलेशन से एक्सट्रैक्शन। लेम सा ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो थर्मो रेगुलेशन इज द फंक्शन। डायनासोर आपको पूछा है, डायनासोर वेर मैमल्स आर बिकेम एक्सटिंक्ट, लार्ज हर्बीवोर क्रिएचर्स, एग लेइंग मैमल्स, रेप्टाइल्स। तो डायनासोर कौन सा आपका जो पार्ट है उससे बिलोंग करते थे, रेप्टाइल्स थे, एम्फीबियंस थे या फिर मैमल्स थे? तो डायनासोर्स एक्चुअली रेप्टाइल्स थे, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि एट प्रेजेंट बहुत सारी बर्ड्स जो हैं वो उनसे ही ओरिजिनेट हुई हैं, यानी कि उनके इवोल्यूशन प्रोसेस में वो बनी हैं। तो देखिए यहाँ पे रेप्टाइल्स का ऑप्शन ही एक ही, और हम सब जानते हैं कि डायनासोर वो ऑर्गेनिज्म है जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो डायनासोर वो रेप्टाइल्स हैं आपके जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे वो आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कितनी बोन्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में। इससे इजी क्वेश्चन तो शायद ही कोई होगा, टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो है ह्यूमन बॉडी में वो कितनी होती है? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, हे फीवर पूछा है आपको, हे फीवर किसका साइन है? माल न्यूट्रिशन का, कुपोषण का, एलर्जी का, बुढ़ापे का या फिर बहुत ज़्यादा काम करने का? तो माल न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास में 2 डिजीजेज मैंने आपको बताई थी, क्वाशियोकोर बताई थी और मेरास्मस बताई थी।
हे फीवर देखिए, हे फीवर को एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं, सही नाम इसका ये है। देखिए राइनाइटिस जो है वो आपका यूजुअली नोज से रिलेटेड होता है। जैसे आप कुछ कुछ जगह पे जाते हैं तो आपका नोज जो है नोज फ्लो करने लग जाता है, उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं। तो ऐसे कुछ प्रॉपर जगह पे जाने पे क्या होता है, वहाँ पे कुछ एलर्जेंस प्रेजेंट होते हैं वहाँ एटमोसफियर के अंदर, ठीक है। वो एलर्जेंस क्या होते हैं, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसकी वजह से जो आपके शरीर में जाकर के एलर्जी कॉज कर रहा हो। तो हे फीवर क्या है, एक तरह की एलर्जी है और इसमें कोई भी फीवर जो है वो नहीं होता है। इसमें यूजुअली आपको स्नीजिंग होगी, आपका फ्लोइंग नोज होगा, उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा ऐसे यानी नॉर्मल एलर्जीज आपकी सबको हुई होंगी। तो सही जवाब यहाँ पर क्या है इसका, सही जवाब है ऑप्शन बी। ओके, अगला आप सवाल देखिए, जो कैजीमियर फंक थे या फिर उनको कैसीमियर फंक भी कहा जाता है, ये पोलिश बायोकेमिस्ट से, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है। तो देखिए ये आपके विटामिन से एसोसिएटेड है। तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी, सीधा याद करने का क्वेश्चन है, कैजीमियर फंक एसोसिएटेड विद विटामिन, ठीक है। और इन्होंने जो है विटामिन को सबसे पहले बुलाया था, वाइटल अमीन्स, वाइटल होता है जीने के लिए, यानी कि जीने के लिए ये अमीन्स ज़रूरी हैं या फिर ठीक तरह से जीने के लिए, और इन्हीं से हमने फिर नाम बना दिया विटामिन। ओके, नेक्स्ट आपको बताना है कि जो नीचे दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन से एंजाइम्स हैं। तो रेनिनिक एंजाइम है, टाइलिन एंजाइम है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है, पेप्सिन भी एक एंजाइम है। तो रेनिन कौन सा एंजाइम है, रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो मिल्क के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब कौन सा होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। और रेनिन जो है मिल्क पे एक्ट करेगा और इसके साथ साथ में ये जो इन्फेंट्स होते हैं उनके गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। ओके, आपको बताना है कि द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन्ड अबाउट ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, वो साइंटिस्ट बताना है आपको जिसने सबसे पहली बार ब्लड सर्कुलेशन के बारे में कुछ बताया हो। तो विलियम हार्वे जो है वो आपके हम कहते हैं उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी करी थी। तो सही जवाब यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन बी, विलियम हार्वे। ओके, अगला आपको बताना है, अ प्लांट विद कंपाउंड लीव्स इज। तो देखिए कंपाउंड लीव्स जो है वो दो तरह की होती है, पामेटली कंपाउंड, पिनेटली कंपाउंड, उन सब के अंदर हमें नहीं जाना है। तो देखिए नॉर्मल जो लीव होती है उनमें क्या होती है, ये आपके मिडरिब है और मिडरिब के ऊपर ये आपकी लीफ है, ठीक है। ये डायरेक्टली आपका कोई ब्रांच के अटैच होगी मिडरिब। लेकिन जो आपके कंपाउंड लीव्स हैं उनके अंदर क्या होती है, ये आपकी जो मेन ब्रांच है वो है मेन रिब है, उसके बाद में इसके पास में ये इधर जो वेन्स आ गई इसकी, ठीक है। अब ये जो वेन्स हैं इनके ऊपर लीव्स अटैच होती हैं, ठीक है। तो इनको हम कंपाउंड लीव्स कहते हैं, शायद आप थोड़ा समझ रहे होंगे डायग्राम से, ठीक है। ओके, तो इस तरह की, ये देखिए अब ये आपको डिफरेंस दिख रहा होगा इनके अंदर। तो ये अलग अलग तरह की होती है, पामीटली कंपाउंड, पिनेटली कंपाउंड। आपको बताना है पपाया, कोकोनट, पीपल और हिबिस्कस, इनमें से किसके अंदर कंपाउंड लीव्स हैं। तो हम कुछ कुछ कॉमन एग्जांपल्स पढ़ेंगे। एक तो रोज़ पढ़ना है आपको, रोज़ के अंदर कंपाउंड लीव्स होती हैं। रोज़ के अलावा आपका जो नीम है, कॉमन कॉमन प्लांट्स हम पढ़ लेते हैं जो हमारे आसपास भी आपको दिखेंगे, नीम जो है नीम के अंदर आपका कंपाउंड लीव्स मिलेंगी, और इसके अलावा आपकी मिलेगी कोकोनट के अंदर। यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया हुआ है कोकोनट, तो हम सही जवाब यहाँ पे कौन सा टिक करेंगे, ऑप्शन बी, कोकोनट, ठीक है। तो यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन दिया है पिनेटली और पामेटली कंपाउंड का, किस तरह से सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में डिफरेंस है। ओके, अगला देखिए, रेनिन जो हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, यानी कि मिल्क प्रोटीन्स के ऊपर ऐड करता है। और ये क्या कन्वर्जन करेगा आपको बताना है, कैसिनोजन इंटू कैसीन, कैसीन इंटू पैराकैसीन, कैसिनोजन इंटू पैराकैसीन, पैराकैसीन इंटू कार्सिनोजन। तो देखिए मिल्क जो है आपका, मिल्क के अंदर जो आपका प्रोटीन प्रेजेंट है वो आपका होता है कैसीन। तो कैसिनोजन से तो हम शुरू ही कैसे करेंगे, तो हमें शुरू करना है बेसिकली कैसीन से, और कैसीन में यहाँ पे स्टार्ट ही एक ऑप्शन में हो रहा है। तो रेनिन क्या करता है, आपका जो प्रोटीन है मिल्क के अंदर विच इज़ कैसीन, उसको कन्वर्ट कर देगा पैरा कैसीन के अंदर। तो सही जवाब इसका कौन सा होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन। आपका जो बीज है उसके अंकुरित होने के लिए जो निम्नलिखित आपको दिए हुए हैं ऑप्शंस, उनमें से किसकी आवश्यकता नहीं है। तो वाटर की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है, वायु
और वायु में भी मेनली अगर आप बोलो तो यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा, पर एयर भी ऑक्सीजन से हम ले सकते हैं। सूटेबल टेम्परेचर की भी उनको ज़रूरत होती है, पर सनलाइट की ज़रूरत जो है वो सबको नहीं होती। और बेसिकली हम सनलाइट नहीं बोलेंगे, कुछ बीज हैं जिनको अंकुरित होने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, पर सारे सीड्स की रिक्वायरमेंट वाटर, ऑक्सीजन और सूटेबल टेम्परेचर तो एकदम है। तो सही जवाब यहाँ पे कौन सा होगा, हमसे पूछा है किसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। अगला आपको पूछा है फ्लावर एमिट फ्रेग्रेंस टू, फूलों के अंदर जो सुगंध है उसके पीछे क्या रीज़न है, फूल सुगंध क्यों देते हैं? ड्राइव अवे फ्लाइज, मक्खियों को भगाने के लिए, या फिर हवा का शुद्धिकरण करने के लिए, कीटों को आकर्षित करने के लिए, या फिर सारे जो आपको दिए तीनों ऑप्शंस उनके लिए। तो देखिए फूल जो है वो फ्रेग्रेंस क्यों एमिट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। तो देखिए अब फ्लावर्स जो हैं, हमें मालूम है प्लांट्स जो है वो मूव नहीं कर सकते, तो उनके पास ऐसा कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए कि उनके जो पॉलिनेटर्स हैं वो अपने आप फ्लावर्स तक आए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रेग्रेंस सुगंध जो है उसको फैलाना शुरू किया। तो उससे क्या होगा, इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा तो वो फ्लावर पर आएगा, फ्लावर पर उसको नेक्टर मिलेगा, ठीक है, नेक्टर उसका रिवॉर्ड होता है। उसके बाद में फ्लावर के ऊपर जब इंसेक्ट्स आता है तो उसके बॉडी के ऊपर ही क्या है, पॉलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। फिर जब वो दूसरे फ्लावर पर जाकर के बैठेगा तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी होती है कि उनके पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एम है फ्रेग्रेंस एमिट करने का, कि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें, कीटों को आकर्षित कर सकें। आपको बताना है कि एक्सेसिव सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है उसको आप क्या कहोगे, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी, फिजियोलॉजी, हाइपोप्लेजिया। तो देखिए फिजियोलॉजी तो आपका एक सब्जेक्ट है, तो फिजियोलॉजी तो यहाँ पे ऑप्शन होगा नहीं। फिर आता है आपके पास में हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया होता है सेल का एक्सेसिव डिवीजन होने की वजह से, एक्सेसिव सेल प्रोलीफरेशन की वजह से ऑर्गन जो है उनकी साइज बढ़ जाती है। हाइपरट्रॉफी, अब देखिए जो लोग जिम जाते हैं और जिनकी मसल जो है वो बहुत ज़्यादा डोलिश हो रहे जिनके बन जाते हैं, उनके अंदर क्या होता है, हाइपरट्रॉफी होती है मसल्स की, ठीक है। तो हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स के लिए वो अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं वगैरह वगैरह। और हाइपरप्लेजिया का उल्टा क्या है आपका, हाइपोप्लेजिया। आपसे पूछा है एक्सेसिव सेल डिवीजन, तो वो किस में होता है, हाइपरप्लेजिया में। तो सही जवाब यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन ए। यहाँ पे तीनों हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी और हाइपोप्लेजिया टर्म्स हमने एक्सप्लेन करी है, सेम वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी आप एक बार पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो सलाइवा है हेल्दी ह्यूमन का, लार जो है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है, अम्लीय होती है, लवणीय होती है, अल्कलाइन होती है, कैसी होती है? तो देखिए सलाइवा जो है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा इसका, ऑप्शन सी, स्लाइटली अल्कलाइन। और पीएच अगर आप उसको देखो तो पीएच 6.8 टू 7.2 के बीच में होती है, और फिर वो कुछ कुछ चेंज हो जाती है, आपको इतना याद रखना है पीएच के अलावा कि वो स्लाइटली अल्कलाइन होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट, ऐसा ऑर्गन बताइए जो कभी भी रेस्ट नहीं करता है। तो आपका जो हृदय है, हार्ट जो है वो हमेशा काम भी रहता है, हमेशा काम करता रहता है। तो सही आंसर होगा हार्ट। नेक्स्ट इज पेरिटोनाइटिस इज अ डिजीज, ऐसा आपको बताना है पेरिटोनाइटिस किसका डिजीज है। तो आपका जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन के जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके, जैसे आपका लिवर है, स्टमक है आपकी, आपकी आंत है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के बाहर एक कवरिंग होती है, और उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं, ठीक है, पेरिटोनियम। एब्डोमिनल जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब की कवरिंग, उनके बाहर एक परत है, उसको हम कहते हैं पेरिटोनियम। और अगर इस पेरिटोनियम में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाए और इसमें स्वेलिंग आ जाए, इनमें इन्फ्लेमेशन आ जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, पेरिटोनाइटिस। तो ये आपका कहाँ का डिजीज है, ये है आपके एब्डोमिन का डिजीज, ओके। नेक्स्ट इज आपको पूछा है कि जो रेड डाटा बुक है आपकी, द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंडेंजर्ड रेयर स्पीसीज ऑफ, किस कौन सी तरह की स्पीसीज जो यहाँ पे इंक्लूडेड होती हैं, फ्लोरा होती हैं या फौना होती हैं या सारे जीव जंतु होते हैं। तो इसमें फ्लोरा भी होते हैं, फौना भी होते हैं, इनके अलावा जैसे बैक्टीरिया अगर आपके पास में है, कुछ भी है आपके पास में, प्रोटिस्टा, पॉरीफेरा, कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में आपको जो कुछ भी मालूम है, उसका स्टेटस एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट है, वल्नरेबल है, तो वो सब हम मेंशन करते हैं रेड डेटा बुक के अंदर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज आर ट्रू, मैंने आपको पूछा था एक बार रेड डेटा बुक के बारे में, ओके। नेक्स्ट इज सीड कोट इज फॉर्म्ड फ्रॉम, अब देखिए हमने जो ओव्यूल का डायग्राम देखा था उसी से आपको याद हो गया होगा कि सीड कोट का फॉर्मेशन किससे होता है, सीड कोट का फॉर्मेशन होता है इंटेग्यूमेंट से, ठीक है, और माइक्रोपाइल और चलाजा तो एक दूसरे के अपोजिट पोल से,
ऊपर आपका था माइक्रोपाइल और नीचे की तरफ आपका कौन सा था चलाजा, और यहाँ पे आपका जो एम्ब्रियो सैक था उसके बाहर इस तरह से दो कवरिंग थी, वो आपकी क्या थी, इंटेग्यूमेंट्स। तो क्योंकि आपका आगे जाकर के एम्ब्रियो सैक है वो सीड्स का फॉर्मेशन कर लेगा, तो इंटेग्यूमेंट्स क्या करेंगे, सीड कोट बनाएंगे, ठीक है। तो सही जवाब इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए इंटेग्यूमेंट्स। अगला सवाल देखिए, रेस्ट्रिक्टेड इन्फेक्शन ऑफ अ डिजीज इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि या तो एक ऑर्गन तक लिमिटेड है या एक ऑर्गन सिस्टम तक लिमिटेड है, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, हमारा लोकलाइज्ड इन्फेक्शन, ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। तो सही जवाब इसमें कौन सा होगा, लोकलाइज्ड। नेक्स्ट इज आपको बताना है कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोल्ड ब्लडेड होते कौन से ऑर्गेनिज्म हैं। तो देखिए हम जो हैं मैमल्स जो हैं वो हॉट ब्लडेड ऑर्गेनिज्म हैं। हॉट ब्लडेड होने का क्या मतलब है, हमारी बॉडी का जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, हम उसको उतना ही मेंटेन रखते हैं, चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मी हो, बाहर का टेम्परेचर जो कुछ भी हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम हमारी बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं, इसीलिए हमारा नाम है हॉट ब्लडेड एनिमल्स। और बाकी जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं कुछ जो कोल्ड ब्लडेड के अंदर आएंगे उनमें क्या होगा, अगर बाहर जो है वो तापमान कम है हमारे वातावरण का तो उनके शरीर का तापमान भी गिर जाएगा, और अगर उनका तापमान और अगर बाहर गर्मी है सूरज है बहुत ज़्यादा तापमान है तो उनके शरीर का तापमान भी बढ़ जाएगा। तो यही है इनके बीच का डिफरेंस। तो हम ऑप्शंस देखते हैं, हमसे पूछे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स देयर ब्लड रिमेन्स कोल्ड ऑल द टाइम, कोल्ड नहीं कह पाएंगे हम, हमेशा कोल्ड नहीं रहता है। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस इन अकॉर्डिंग्स विद द एटमोसफियर, एकदम सही है कि उनके शरीर का तापमान जो है वो वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन सी जो है बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट किस में रहता है, ये रहता है हॉट ब्लडेड एनिमल्स के अंदर, ठीक है। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आपके कौन कौन से हैं, आप ये भी याद रखिए, आपके जो रेप्टाइल्स हैं, जो एम्फीबियंस हैं और जो फिशेस हैं, ठीक है, ये तीनों आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। और जो आपके वार्म ब्लडेड एनिमल है, बेसिकली हॉट नहीं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन कौन से हैं आपके, एवीज, बर्ड्स और मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है प्लांट लिविंग विद इन अनदर प्लांट इज कॉल्ड, तो यानी कि एक पौधा है जो दूसरे पौधे के ऊपर रह रहा है तो उसको आप क्या कहोगे, इन पौधों को हम कहते हैं एपीफाइट्स। और एक चीज़ याद रखिए कि एपीफाइट्स जो है वो पैरासाइट नहीं होते हैं। एपीफाइट्स जो है देखिए ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो आप पूछोगे फिर इनको क्या ज़रूरत है दूसरे प्लांट के ऊपर क्यों रह रहे हैं, तो एपीफाइट्स जो होते हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और सपोर्ट के लिए क्या करते हैं, दूसरे प्लांट के ऊपर जो है ग्रो करते हैं। और इनके अंदर रूट्स जो होती हैं वो भी अलग तरह की होती हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर अभी यही पूछा है आपके अंदर तो एक नाम हम बता ही देते हैं आपको, आप मुझे बताइए ढूंढ करके कि ये क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स, ठीक है। ये आपका आज के लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि हाइग्रोस्कोपिक रूट्स जो है वो क्या होती हैं और कौन सा किसके अंदर होती हैं, ठीक है। हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे क्वेश्चन का जवाब क्या है, एपीफाइट्स, पैरासाइट मैंने बोल दिया, पैरासाइट ये होते नहीं है, पैरासाइट का एग्जाम्पल हम पहले पढ़ चुके हैं कसकटा। एंडोफाइट्स जो है जैसे ह्यूमन बींग के अंदर मैंने बताया था टीनिया सोलियम है वो एक एंडोफाइट होगा, सैप्रोफाइट्स भी नहीं है क्योंकि डेड ऑर्गेनिज्म को नहीं खा रहे, मृत जीवी नहीं है ये। अगला सवाल आपको पूछा है आइपोमिया बटाटा, आइपोमिया बटाटिस जो है वो आपका स्वीट पोटैटो जो है उसका आपके पास में नाम है, दूसरा नाम है, आपको बताना है कि क्या ये एक स्टेम है, लीफ है या फ्रूट है। तो हम जानते हैं कि स्वीट पोटैटो में जो एडिबल पार्ट होता है वो होता है उसका रूट, और रूट की रूट भी इसके अंदर जो है वो होता है ट्यूबरस रूट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टेम और लीफ दिया है, तो स्टेम और लीफ तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। अब आपको बताना है फ्रूट है वेजिटेबल है, अब आप कहोगे पहले बताइए फ्रूट और वेजिटेबल में क्या डिफरेंस है। अगर जो है आपका जो एडिबल पार्ट है उसका फॉर्मेशन जो है आपका फ्लावर से हुआ है, ठीक है, फ्लावर से अगर बना है तो हम उसे क्या कहेंगे, फ्रूट कहेंगे। बाकी अगर किसी भी पार्ट से, जैसे आप में हमने पढ़ा मॉडिफाइड रूट्स होती हैं, मॉडिफाइड स्टेम होती हैं, मॉडिफाइड लीव्स भी होती हैं, अगर ये सब आपका एडिबल पार्ट है किसी भी पौधे का तो वो सारी आपकी आएंगी वेजिटेबल की कैटेगरी के अंदर। तब आप ही बताइए स्वीट पोटैटो के अंदर जो हमारा शकरगंध है उसके अंदर जो हम खाते हैं शकरगंध, क्या वो फूल से बनता है, बिल्कुल भी नहीं, वो तो रूट में प्रेजेंट है, रूट में फूल कैसे आएंगे। तो सही जवाब इसका क्या होगा, वेजिटेबल। आइपोमिया बटाटा जो है वो एक वेजिटेबल है, यही डिफरेंस है। देखिए आप कहीं भी जाके देखोगे फ्रूट और वेजिटेबल का डिफरेंस आपको यही मिलेगा, फ्रूट जो है वो फ्लावर से बनता है, ठीक है, और वेजिटेबल्स ये रूट से बन सकती हैं, स्टेम से या फिर लीव से।
नेक्स्ट आपको बताना है जर्म थ्योरी जो वो किसने कंफर्म करी थी, तो लुइस पाश्चर जो थे हमारे, उन्होंने जर्म थ्योरी को कंफर्म किया था। तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी। और एक्सप्लेनेशन देखिए, इन्होंने जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी थी वो भी इन्होंने दी थी। ओके, तो लुइस पाश्चर होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको बताना है, अकॉर्डिंग टू WHO द बर्ड फ्लू वायरस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू फूड कुक्ड बियॉन्ड, अगर आपके पास में भोजन है उसको कितने डिग्री सेल्सियस तक हम जो है वो पकाएं, जिसकी वजह से आपके अंदर जो है बर्ड फ्लू जो वायरस है उसका इन्फेक्शन नहीं होगा। तो WHO ने जो इसके लिए जो टेम्परेचर बताया है वो 70 डिग्री सेल्सियस। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। अगर आपने जो भोजन है, आपका जो फूड है, उसको आपने 70 डिग्री सेल्सियस तक अगर पकाया है, तो फिर उस टेम्परेचर तक ये वायरस जो है वो जिंदा नहीं रह पाएगा, और जिंदा नहीं रह पाएगा तो आपके अंदर इन्फेक्शन भी नहीं कर पाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ अ हेल्दी फ्रेश वाटर फिश इज प्लेस्ड इन अ सॉल्ट वाटर, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस। देखिए, आपके पास में एक मछली थी, ठीक है, आप उसको बाजार से लेकर आए, एक्चुअल में वो थी मीठे पानी में रहने वाली फ्रेश वाटर फिश थी, पर आपको पता नहीं था, आपके पास में सॉल्ट वाटर था। आप मान लीजिए समुद्र किनारे रहते हैं, आप समुद्र से पानी भर के लाए और उसमें आपने उस मछली को छोड़ दिया, तो उस मछली के साथ में क्या होगा वो बताना है। तो देखिए, फ्रेश आप यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास में वो कंटेनर है जहाँ पे ये हमारी मछली पड़ी हुई है। अब देखिए क्या हुआ, बाहर आपने जो पानी है वो कैसा है, लवणीय है, खारा पानी है, तो बाहर क्या होगा, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन होगी ज़्यादा, और आपकी जो मछली है मछली के अंदर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कम होगी। अब हम देखते हैं पानी की कंसेंट्रेशन, तो क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा है तो पानी की कंसेंट्रेशन यहाँ पे कम होगी, और मछली तो हम कौन सी मछली थी, फ्रेश वाटर, तो इसमें पानी ज़्यादा होगा। अब देखिए, हम सबको मालूम है कि हमारे अंदर जितनी भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है वो अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन पे जाती है, तो आप मुझे बताइए कि इसमें पानी जो है वो किधर से किधर जाएगा। तो मछली में पानी ज़्यादा है, मछली के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसमें कम है, तो हमारी जो प्यारी मछली है उससे सारा का सारा पानी जो है वो बाहर आ जाएगा, यानी कि डिहाइड्रेट हो जाएगी, और इतना पानी निकल जाएगा कि इसकी डेथ हो जाएगी इस फिश की। तो इसलिए इस तरह के आपको चेंजेस नहीं करने हैं, फ्रेश वाटर फिश को फ्रेश वाटर में ही रखना है, और सॉल्ट वाटर को सॉल्ट वाटर में ही। तो देखिए, आपको बताना है, फिश बिकम्स ब्लोटेड एंड डाइज, आपको बोले मछली मरेगी लेकिन फूल करके मरेगी, जी नहीं, उसका सारा पानी बाहर निकल गया तो मछली सिकुड़ जाएगी, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। सेकेंड देखिए, देर इज नो ऑब्जर्वेबल इफेक्ट ऑन द फिश प्रोवाइडेड देर इज सफिशियंट फूड, यानी कि अगर आप उसको सही से भोजन देते रहे तो उसके ऊपर आपको कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। नहीं जी, ये तो बिल्कुल गलत है, मछलियाँ मर रही है और आप कह रहे हो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। अगला देखिए, द फिश सफर्स फ्रॉम फंगल और बैक्टीरियल डिजीजेज एंड डाइस। तो देखिए, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, जो सॉल्ट वाटर है उसके अंदर फंगस और बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, तो मछली को आपने जैसे ही ट्रांसफ़र किया उनमें इन्फेक्शन हो गया और वो मर गई। लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं कि जो मछली है वो निर्जरित हो जाएगी, डिहाइड्रेटेड हो जाएगी और उसके बाद में मर जाएगी। तो मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया वो सेम ऑप्शन में है, तो हमारा जवाब क्या होगा, हमारा जवाब होगा ऑप्शन डी, डिहाइड्रेट हो जाएगी और मर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम की मैचिंग करनी है, सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, आपका डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, क्यू को आप मैच कर लीजिए 4 से। तो देखिए, फर्स्ट में 4 नहीं है और डी में 4 नहीं है, मेरे पास बचे ऑप्शन बी और सी। अब हम मैच करते हैं लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ने क्या किया था, आपका जो ब्लड ग्रुपिंग है, जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं उनकी डिस्कवरी किसने करी थी, लैंडस्टीनर ने। तो आर के अंदर आपका आएगा 1, तो हमारा सही जवाब हो गया सी। अब पी और एस को भी कंपेयर कर लीजिए। जेनर, जेनर के बारे में आपके क्या दिया है, तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली वैक्सीन डेवलप करी थी या नहीं करी थी, तो पी के अंदर आपका 3 आएगा, जो भी एकदम सही है। और एस जो है फ्लेमिंग, फ्लेमिंग आपके एसोसिएटेड है आपकी पेनिसिलिन की डिस्कवरी से, तो हो गया ऑप्शन आंसर एकदम इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा है कि अगर आपने क्या किया, सब्जियों को छीला और छीलने के बाद में अगर आपने उनको धोया तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो हट जाएगा। तो देखिए, आपको याद इसमें क्या रखना है, आपने सब्जियों को धोया है, धोया यानी कि आप सब्जी को लेके आए हैं वाटर के कॉन्टैक्ट में। अब हमारे विटामिन होते हैं 2 तरह के, एक जो जल के अंदर घुलते हैं और दूसरे हमारे पास में फैट सॉल्युबल होते हैं। तो हम एक बार बात कर लेते हैं उनकी, फैट सॉल्युबल हमारे कौन कौन से थे, ए डी
पी के, या आपके चार विटामिन से जो फैट सॉल्युबल थे, ठीक है, इसको कुछ लोगों ने कीड़ा से याद कर रखा है के ई डी, ठीक है, आप कैसे भी याद रखो एक ही बात है। और बाकी आपके बचे हुए सारे विटामिन जो है वो कौन से, वो है वाटर सॉल्युबल। तो देखिए जो फैट सॉल्युबल उनको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पानी से धोने पर, तो ये तो वैसे के वैसे रहेंगे। तो ए के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी के ऊपर नहीं पड़ेगा और ई के ऊपर नहीं पड़ेगा। फर्क किस पे पड़ेगा, फर्क पड़ेगा सी के ऊपर। सी क्या है, पानी में घुलने वाला है, तो ये घुल के पानी में चला जाएगा और सब्जियों से सारा विटामिन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन बी। देखिए यही फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल को आपको एक चेंज करके पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है कि ये जो येलो फीवर है वो किससे ट्रांसमिट होती है। तो येलो फीवर जो है वो एडीज मॉस्किटो से ट्रांसफर होती है। तो सही जवाब इसका कौन सा है, ऑप्शन ए। ओके, अब देखिए एडीज, एडीज स्पीसीज आपको बताई है कि एडीज से जो है कौन कौन सी डिजीजे स्प्रेड होती है। आपकी जीका स्प्रेड होती है, चिकनगुनिया स्प्रेड होती है और डेंगू वायरस। ये तीनों डिजीजेस जो है ये स्प्रेड होती है, इसके साथ साथ येलो फीवर जो है ये भी स्प्रेड होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस हैव बीन कम्प्लीटली इराडिकेटेड बाय द WHO। तो देखिए कम्प्लीटली इराडिकेटेड का मतलब है कि ये डिजीज अब नहीं पाई जाती है, अब किसी को होती नहीं है ये डिजीज। तो स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है वो कम्प्लीटली इराडिकेटेड की कैटेगरी में आती है। रिंडरपेस्ट जो है, जो पशुओं से रिलेटेड एक डिजीज है, पशु महामारी, तो ये दोनों डिजीजेस जो है ये कम्प्लीटली इराडिकेट हो चुके हैं, इनको पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसके बाद में जो पोलियो है आपका, पोलियो अगली कैटेगरी में है, यानी कि ये ऑलमोस्ट बहुत जल्द कुछ सालों के अंदर आपका इराडिकेट होने वाला है, ठीक है। सॉरी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। और हाँ, स्मॉल पॉक्स को, स्मॉल पॉक्स जो है वो आपको पूरी तरह खत्म कर दी गई थी 1980 के अंदर, और 2011 के अंदर WHO ने रिंडरपेस्ट को भी क्या है, पशु महामारी को भी इराडिकेटेड डिक्लेयर कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, जॉन्डिस बताना है। जॉन्डिस आपके कौन सा ऑर्गन है, उसकी डिजीज है। तो जॉन्डिस देखिए आपकी लिवर के अंदर अगर कोई दिक्कत होती है तो होता है आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पिगमेंट्स बिलिरुबिन है, इन सबका जो सीक्रेशन है वो ज्यादा होता है, इस वजह से जॉन्डिस होगा। सही जवाब होगा इसके अंदर ऑप्शन बी, लिवर। नेक्स्ट आपको बताना है कि आपके जो यूरिन है उसका जो येल्लो कलर है वो क्यों होता है, किस चीज़ की प्रेजेंस से होता है। बाइल की प्रेजेंस से नहीं, बाइल यूरिन में प्रेजेंट नहीं होता है, यूरोक्रोम, एकदम सही है। यूरोक्रोम एक ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से आपकी यूरिन का कलर होता है येलो। तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, कोलेस्ट्रॉल और लिम्फ ये सब यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, आपको पूछा है कोकोनट का जो कॉइर है, नारियल की जो जटाएं होती है वो कहाँ से ऑप्टेन करी जाती हैं। तो देखिए नारियल की जटाएं ऑप्टेन करी जाती हैं आपके मीजोकार्प से, ठीक है। यहाँ पे सही जवाब आपका कौन सा होगा, ऑप्शन ए, मीजोकार्प। तो कोकोनट देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट है, तो कोकोनट के बारे में आपको जितना भी पता चले या जितना मालूम है आप उसको पढ़िएगा ज़रूर। हम कोकोनट को डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी और क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे हम कॉयर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉयर जो है, देखिए कॉयर आपको मिलता है, एक आपके हार्ड इनर शेल होती है जो आपका खाने के लिए आपके पास में जो नारियल है उसके जस्ट बाहर जो शेल है उसको आप रिमूव करते हो, और उसके एकदम बाहर आपके पास में कौन सी होती है, नारियल की जटाएं होती हैं, ठीक है। तो कोर, ये जो फाइबर्स हैं आपकी जटाएं हैं, ये आपको मिली है जो इनर शेल है उसके, और बाहर वाला जो कोकोनट का, जो आप अगर पूरा कोकोनट इमेजिन कर पा रहे हैं उसके बीच में। तो इसीलिए सही जवाब यहाँ पे कौन सा होगा, मीजोकार्प। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट। कौन सा ऐसा उत्पाद है जो पौधों से नहीं बनता है या पौधों से नहीं लिया जाता है। तो कैफीन हमें प्लांट से मिलता है, रेजिन प्लांट से मिलता है, निकोटीन भी प्लांट से मिलता है, लेकिन जो सैकरिन है ये एक लेबोरेटरी में बनाया गया प्रोडक्ट है। सैकरिन अगर आप बोलो आर्टिफिशियल शुगर्स में, स्वीटर शुगर हम इसको बोलते हैं। उसके अलावा इसको हम यूज़ करते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, क्यों, क्योंकि कैलोरी जो मिलती है आपको सैकरिन से वो ज़्यादा नहीं होती है इस वजह से, या फिर ज़ीरो होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ओके, तो सैकरिन क्या है, एक नॉन न्यूट्रिटिव यानी जीरो कैलोरी वाला और एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ठीक है, और इसको हमने लेबोरेटरी में बनाया अलग अलग चीज़ों को मिलाकर। तो देखिए ये आज के 50 MCQs जो यहाँ पे खत्म होते हैं। धन्यवाद।